student of class 5. Student of class 5, welcome in your SST class. So students, today in this class we are going to deal with some objective questions that related to chapter 11, that way people never die. अभी हम लोगों ने कल के क्लास में चैप्टर 11 लिस्ट किया था और आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, जिसमें कि आपका क्वेश्चन आंसर है बी में फिलिंग द ब्लैंक्स है एंड सी में नेम द लीडर्स करके है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव फिनिश्ड कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आप ढूंढे तो उसमें आपको दिक्कत ना हो और अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाए। तो जो हमारा चैप्टर है ग्रेट पीपल नेवर डाई, उसमें क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉक्रेट्स ड्रैंक अ कप ऑफ पॉइजन कॉल्ड एज, सॉक्रेट्स जिन्होंने एक पॉइजन पी लिया था उसका नाम क्या है, तो हम लोगों ने बुक में भी पढ़ा है सॉक्रेट्स ड्रैंक अ कप ऑफ पॉइजन कॉल्ड हेमलॉक। हेमलॉक की स्पेलिंग है एच ई एम एल ओ सी के। हेमलॉक नाम का पॉइजन जो है वो सॉक्रेट्स ने ड्रिंक कर लिया था। ओके, सेकेंड है अब्राहम लिंकन एबोलिस्ट डैश इन द यूएसए। एबोलिस्ट मतलब होता है खत्म हो जाना, फिनिश्ड समाप्त एंड। ओके, तो अब्राहम लिंकन कब खत्म हो गए थे, तो 1865 इन यूएसए। ओके, नेक्स्ट है डैश वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। किनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तो किनका जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन। नेक्स्ट है इन 1925 डैश बिकम द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन 1925 में कौन वो लेडी थी, कौन वो थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर बनी थी, वो फर्स्ट लेडी, तो उनका नाम है क्या, सरोजिनी नायडू, एस ए आर ओ जे आई एन एल, सरोजिनी नायडू, एन ए आई यू डी। लास्ट मेंबर है फिलिंग द ब्लैंक्स का मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन डैश, तो मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, इन मैकेडोनिया इन 1910 में मैकेडोनिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। ओके, सो आप इसको पहले नोट डाउन कर लिए। अब हम आगे नेम दिस लीडर्स में देखते हैं, ठीक है, तो नेम दिस लीडर्स में तो फादर ऑफ कम्युनिज्म, फादर ऑफ कम्युनिज्म किसे कहा, कम्युनिज्म का मतलब मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तब आपको बताया था कि कम्युनिज्म वर्ड किस चीज को डिस्क्राइब करता है, तो फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का जो फाउंडर है, पिता है, जनक है, किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। सेकेंड नंबर ये तो हमको लगता है बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। ही फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिश के खिलाफ इंडिया में लड़ने वाले वो कौन थे, तो महात्मा गांधी। थर्ड नंबर ये है ही फॉर फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक्स, राइट ब्लैक्स के राइट्स के लिए, ब्लैक्स के अधिकार के लिए किसने बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा युद्ध किया और बहुत बार अरेस्ट भी हुए, पर फिर भी उन्होंने अपना मूवमेंट नहीं छोड़ा और उनको इसमें सक्सेस मिला, तो नाम है उनका मार्टिन लूथर किंग। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, दो और बचा हुआ है नेम द लीडर्स में, उसको नोट डाउन करवाया जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने शुरू नोट कर लिया नेम दी लीडर्स का, फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स, ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया महात्मा गांधी, ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक मार्टिन लूथर किंग। अब हमारा दो बचता है, ये नेक्स्ट नंबर है फाउंडर ऑफ द मिशनरी ऑफ चैरिटी, तो हम लोगों ने अच्छे से क्लियरली पढ़ा था कि इनकी फाउंडर कौन है, तो हर नेम इज मदर टेरेसा। लास्ट है हमारा ग्रेट स्कॉलर फिलोसोफर एंड अ टीचर, वो कौन है जो ग्रेट स्कॉलर भी है, फिलोसोफर भी है, टीचर भी है, तो नाम है उनका सॉक्रेट्स। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोगों ने पहले तो ऑब्जेक्टिव फिनिश किया, यानी कि चैप्टर 11 का हमने पूरा ऑब्जेक्टिव फिनिश कर लिया। अब हमारा बचा है सिर्फ क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आपको आज क्या करना है कि एचडब्ल्यू में लर्न All objectives
सबसे पहले तो आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को लर्न करने हैं एंड आपको जो एक नया वर्कर मिल रहा है पांच इनसाइड क्वेश्चन यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स नेम द लीडर को छोड़ के क्वेश्चन आंसर जो बुक में दिया उसको छोड़ के खुद से पांच क्वेश्चन क्रिएट करना है खोजना है और उसका आंसर फाइंड आउट करके कॉपी में लिखना है तो इनसाइड बुक को पढ़ना है उसके अंदर से फाइव क्वेश्चन फाइंड आउट करना है ताकि आपको क्वेश्चन रेज करने का मौका मिले कि ये इसका आंसर क्या होगा या फिर ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है जो बुक में छूट गया ओके सो आपका ये होमवर्क है और ये आपका है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं।